सूरत के वराछा रोड स्थित पीपी सवानी हार्ट इंस्टीट्यूट अपने बेहतर इलाज के लिए मशहूर है, जहां डायलिसिस की सुविधा भी मौजूद है। यहां पर मरीजों को मुफ्त में ये सुविधा मुहैया कराई जाती रही है, लेकिन सिर्फ 6 डायलिसिस मशीन ही मौजूद होने के कारण कई बार मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। और अस्पताल की इस असुविधा और ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए रोटरी क्लब आगे आया और उसने अस्पताल को 4 और डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराए, जिसके जरिए मरीजों का मुफ्त इलाज हो सकेगा। इन मशीनों के उद्घाटन और उन्हें अस्पताल को सौंपे जाने के मौके पर खासतौर पर सूरत के मेयर जगदीश पटेल और रोटरी क्लब से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। आज यहाँ रोटरी क्लब ऑफ सूरत ईस्ट द्वारा डायलिसिस सेंटर जो पीपी सवाणी हॉस्पिटल में लोकार्पण कर रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 2017-18 वर्ष में 53 डायलिसिस मशीनों लोकार्पण अत्यार सुधी करूँ। नाम विपुल तलाविया है, हूँ पीपी सवाणी हॉस्पिटल छू। आज आ कार्यक्रम है रोटरी क्लब सूरत ईस्ट तथा पीपी सवाणी ग्रुपना सहयोग थी थयो छे। आपणे त्यां कुल 6 डायलिसिस मशीनों था पीपी सवाणी हॉस्पिटल में, जे दाताओना सहयोग थी शुरू थया था। 6/10/2003 रोज डायलिसिस विभागनी शुरुआत पीपी सवाणी हॉस्पिटल खाते थई थी। 6/10/2013 थी लई आज दिन सुधी कोईपण दर्दी पास आपणे अत्यार सुधी में एक पण रुपयो लीधो नथी। पीपी सवाणी हॉस्पिटल में आज रोटरी क्लब ऑफ सूरत ईस्ट द्वारा 4 डायलिसिस मशीनों लोकार्पण करवामां आव्युं छे, जे द्वारा किडनीना जे जरूरियातमंद पेशेंट्स छे एमने फ्री डायलिसिस अहीं सेवा पूरी पाडवामां आवशे अने मोटा भागना दर्दीओने आनो लाभ मळशे, जेओ किडनी डायलिसिसनुं रेग्युलर ट्रीटमेंट ले छे। हालांकि रोटरी क्लब हमेशा से समाज सेवा के इस तरह के उपक्रमों से जुड़ा रहा है, लेकिन उनके इस योगदान से गरीब मरीजों को उनके इलाज में बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही अस्पताल भी बेहतर तरीके से लोगों की सेवा कर सकेंगे। ऐसे में इस आयोजन को मानवता की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ स्टॉक लाइव के लिए सूरत से सुनील पाटिल की रिपोर्ट।